हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक सीरीज। और आज के एपिसोड में हम बनाएंगे अपने लिए एक्सपी फॉर्म। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, मुझे जब बायोम्स आई थी, पता नहीं किसमें मिला था, तो मुझे एक स्पेशल चेस्ट मिली थी जिसके अंदर आई थिंक सो सैंड बायोम थी। उसके अंदर काफी 3-4 स्पॉनर थे आई थिंक सो, और काफ़ी ज़्यादा मुझे जॉम्बीज़ के एग वगैरह भी मिलते थे। तो हम उसी से अपना एक्सपी फॉर्म बनाएंगे। तो मैं देख लेता हूँ कि कौन सी चेस्ट करते थे मेरे हाथ से सैंड वाली में। यस, 3 ये हैं स्पॉनर, और ये इन्होंने पता नहीं 6 अंडे दिए हुए और 3 स्पॉनर दिए हुए अंकल मान हुए। तो ये माइंड जिसने बनाया है उसको पता हो ये इसने क्या हरकत की है। तो हम एक एक अंडा ले जाते हैं। ये किस किस का है? एक जॉम्बी का है, एक स्केलेटन का है, और तीसरा किसका है? नेदर वाला है, वो जो होता है पिगलिन का। तो हम फटाफट आगे की तरफ प्लेटफॉर्म, और मैंने ऊपर मींस निशान लगा दिया कि इससे आगे खोदना है। तो अब लेट्स स्टार्ट, आगे टाइम लैप्स वीडियो लगा दूंगा। तो गाइस, ये कुछ अजीब सा मैंने एक्सपी फॉर्म तैयार तो कर लिया है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा। यहाँ पर जॉम्बी और स्केलेटन स्पॉन नहीं हो रहे, लेकिन ये इनको मैं मार सकता हूँ आराम से। ये देखें, ये शोर बहुत कर रही है। ये देखें, ये तो मैं आराम से इनको उड़ा लेता हूँ, लेकिन एक मसला आ रहा है कि वो जॉम्बी और स्केलेटन ही स्पॉन हो रहे। और दूसरा मसला ये है कि मैं इनका सामान उठाने नहीं जा सकता, तो मुझे एक यहाँ से रास्ता पीछे से कहीं से बनाना पड़ेगा। यहाँ से आई थिंक सो कि मैं नीचे होपर वगैरह लगा दूँ चेस्ट, तो मैं ऑफलाइन कर लूँगा क्योंकि वो बहुत लंबा काम है और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही है, सिर्फ मैंने एक्सपी फॉर्म ही बनाना था। लेकिन मैं ऐसा करता हूँ, आपको थोड़ी सी हाइलाइट्स की आगे टाइम लैप्स का भी डालूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत दीजिएगा, और पहले से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो गाइस, ये छोटा सा क्लिप में फटाफट रिकॉर्ड कर लूँ, मैंने नीचे वाला बना लिया और ये आपस में लड़े हैं बजाय मेरे से लड़ने के। तो ये आपको दिखाना था कि ये मैंने डाउन स्टेयर ऐसे करके यहाँ पर ये मैंने स्टोरेज यूनिट बना लिया है। सारा मेरा आयरन मेरे पास जितना भी था बिल्कुल खत्म हो गया है। ये सारे इस तरफ होपर मेरे पास 7 होपर अभी भी बचे हुए हैं। मैंने सारे होपर ऐसे करके ये वाले होपर आपस में कनेक्ट किए हुए हैं। ये वाला होपर इसको कनेक्ट होकर
इसमें जा रही है वाला ऊपर इसमें, और ये मेरा रास्ता जाने का, और ये मेरे दोनों साइड से ऊपर जाने का रास्ता दे दिया। तो ये बस ये मैंने यही दिखाना था, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। तो गाइस मैंने आपको एक और चीज़ दिखानी थी कि ये जो मेरा एक्सपी फॉर्म है इसके अंदर ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और ये क्यों इधर, तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ज़ॉम्बीज़ को मार के, और ये इधर ये ज़ॉम्बी विलेजर भी स्पॉन हो रहे हैं। हम नेक्स्ट एपिसोड में इनमें से एक ज़ॉम्बी विलेजर को निकाल के हम इनको क्योर करेंगे, और ये आपस में लड़ी जा रहे हैं। तो मैं ऊपर जाके सो जाता हूँ, इन्होंने तो ऐसे मुझे कुटते रहना। और तू किधर जा रहा है? आपको पता है ये अभी स्नोमैन जो है हमारा बाहर घूम रहा था, ये ज़ॉम्बीज के साथ लड़ रहा था। तो मैं आपको एक नीचे जाके एक चीज़ दिखाता हूँ फटाफट से, सुबह हो जाए तो सुबह हो गई है, तो मैं आपको बाहर जाके एक चीज़ दिखाता हूँ। तो ये देखिए हम ये जो ज़ॉम्बीज मारे हैं ये मुझे मारी जा रही है। ये पहले मैंने होपर्स किसी और वे में लगाए थे, मैंने सारे होपर्स आपस में कनेक्ट कर दिए हैं, और ये नीचे कोबल स्टोन लगाया था तो मैंने स्लैब कर दिया है। तो अब ये सारी चीज़ें इस चेस्ट रूम में आ रही हैं। तो बस मैंने आपको ये दिखाया था, थैंक्स फॉर वॉचिंग।